सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो, सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह हमेशा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ जाने का लाभ नहीं ले पाता। तुम चाह ही रहे हो तो यह लो 100 रुपए, मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपए लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा है। भक्त भी वहीं रुककर हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजनों के होठ बड़ी देर से संकीर्तन करने के कारण सूखे हुए हैं। वह दिखने में कुछ भूखे भी लग रहे हैं। उसने सोचा क्यों ना सेठ के 100 रुपए में से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी की उस 100 रुपए में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपए खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपए बच गए। उसने सोचा चलो अच्छा हुआ, 2 रुपए जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कहूंगा पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह तो नहीं कहेगा कि 100 रुपए चढ़ाए क्या। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, मैं बोल दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने दिल में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपए श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला यह 2 रुपए सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के सपने में श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया और बोले सेठ तुम्हारे 98 रुपए मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जाग गया, सोचने लगा मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी, उसने 2 रुपए भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपए का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी। वह सेठ रात भर ऐसा विचार करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे। भक्त बोला हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा पर तुमने 98 रुपए क्यों चढ़ाए, 2 रुपए किस काम में प्रयोग किए। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपए से संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपए चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया और बड़ा खुश हुआ और भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। मित्रों, इस कहानी का मूल यह है कि भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपए स्वीकार हैं जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपए का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नगद के रूप में चढ़ाए गए। इस कहानी का सार ये है कि भगवान को चढ़ावे की जरूरत होती ही नहीं है। सच्चे मन से किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर देना भी भगवान को भेंट चढ़ाने से भी कहीं ज्यादा होता है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। आज के लिए इतना ही। हम जल्दी ही हाजिर होंगे इसी तरह की एक अद्भुत सत्य घटना के साथ। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और दूसरे भक्तों के साथ शेयर करें।